मोनू का सेहरा सुहाना लगता है, क्या बात, आरती का तो दिल दीवाना लगता है, और प्यार भाई का अधूरा पा लिया क्या मोनू, बात, क्या बात। आरती को दिल से अपना लिया मोनू, और गम का हर साया बिगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रही है आरती गया छोटू छोर के। इश्क जगाया मेरे अंदर मेरा छोटू, पिया पिलाया सात समंदर मेरा छोटू, दे गया जुल्मी सौदाई कैसा नजराना, जीने से अच्छा है अब तो मर जाना। नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। हमारे साथ गुलजार अहमद जी हैं जो बिहार के शान कहे जाने वाले हैं, और थोड़ा सा मैं चाहूंगा थोड़ा सा हाथ जो है आप खोलिए और थोड़ा सा दिखाइए, ये देखिए ब्रांड बिहार, मतलब समझ सकते हैं ब्रांड बिहार का जब इन्होंने टी शर्ट पहन लिया है, मतलब कि आप मनुष्य के सबके सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं। देखिए जो अच्छे पत्रकार हैं आप भी हैं, तो अगर अच्छा ही आप दिखा रहे हैं तो मैं सबके साथ हूँ जी। भैया ने मुझे आया घर पे दिया था ये टी-शर्ट, दिया, लेकिन आप पसंदीदा है कि नहीं, तभी तो टी शर्ट आप पहने हुए हैं जी। पसंदीदा है, पसंदीदा है। और इनको जो है अभी हर कोई जान रहा है, और मैं बता दूं अभी मैं छोटू, थोड़ा सा छोटू आरती के घर जो है आप पीछे देख रहे हैं वहाँ पे आया हुआ हूँ, और यहाँ पे जो है गुलजार भाई मिले हुए हैं, और मैंने इनका इंटरव्यू कुछ लोगों के साथ देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जिसमें जो है इन्होंने काफ़ी अच्छे से गाने गाए थे। ये भी सुनने में आया कि आप जो गाने गाते हैं उसके अलावा जो है छोटू और आरती के ऊपर भी आपने कुछ गाने लिखे हुए हैं जी, लिखे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक को भी थोड़ा सुनाइए वो गाने, जिससे हाँ जो गाने जो है दर्शक सुनेंगे और पता लगे कि गुलजार भाई ऐसे भी गाने गाते हैं, वो भी अश्लीलता से ऊपर उठकर, जिसकी सोच वहाँ तक नहीं जाती है आपकी सोच वहाँ तक जाती है। यूँ कहा जाता है कि जहाँ ना जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो मैं चाहूँगा कि पहले शुरुआत जो है उन गानों से किया जाए, फिर आगे हम बात करेंगे जी। मेरा एक सॉन्ग था जो वायरल हुआ, वो मेरा नहीं किसी और का कोई है, बात नहीं, बहुत कोई बड़े बात सिंगर होंगे वो, सुना हूँ उसको जी 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 जी। वही पहले सुनाता हूँ। इश्क जगाया मेरे अंदर मेरा छोटू, पिया पिलाया सात समंदर मेरा छोटू, दिल की बात बता ना पाए हाय रब्बा, एक दूजे को भुला ना पाए हाय रब्बा, हो चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रही है आरती गया छोटू छोर के। इश्क जगाया मेरे अंदर मेरा छोटू, पिया पिलाया सात समंदर मेरा छोटू, दे गया जुल्मी सौदाई कैसा नजराना, जीने से अच्छा है अब तो मर जाना। ये जो गायकी का जो आपने सुर और लाया हुआ है, ये आवाज लाया है, सरस्वती माता से नहीं ना मिले हैं? ये हमारे ऑडियंस का प्यार है, मोहब्बत है, आशीर्वाद है, दुआएं हैं जो मैं गा पा रहा हूँ, मेरा तो कुछ क्योंकि नहीं। आपकी जो सुर लग रही है ना वो लता मंगेशकर जी से उतना तुलना नहीं करूँगा, बाकी क्या कहते हैं नाम मैं क्या लूँ, अरिजीत सिंह जी हो गए, हमारे आर रहमान जी हो गए, उस प्रकार से जो है आप गा रहे हैं, मैं उनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ आपसे, आप उस तरह बन भी सकते हैं अगर हम लोगों का और दर्शकों का प्यार मिले तो, बन सकते हैं कि नहीं? जी जरूर, क्यों नहीं, अगर ऑडियंस जो चाहे जहाँ बैठा है मैं वहाँ बैठ सकता हूँ। लता मंगेशकर जी का आप नाम लिए, मुझे उसका एक सॉन्ग याद आया, बस दो लाइन में सुना। जरूर जरूर, इतने महान कलाकार थे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है,
मौजों की रवानी है, जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक चीज बताइए, अभी छोटू जी के आरती के घर पे आए हैं, क्या लगता है यहाँ का माहौल देख के? बहुत अच्छा है लग रहा है, क्योंकि पहले आरती वीरान थी, दर बदर भटक रही थी, तो क्या करें, आप घर बसा लिए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जी जी जी, उनके कोई शादी का अपने गाना भी आती किया हुआ था कि मोनू का सेहरा सुहाना लगता है, आरती का तो दिल दीवाना लगता है, और प्यार भाई का अधूरा पा लिया मोनू, आरती को दिल से अपना लिया मोनू, और गम का हर साया बिगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। क्या बात है, इतना अच्छा ने गाना गाया, और आप लेट हो रहा है तो दर्शकों देख रहे थे हमारे साथ गुलजार जी से, क्या कोई बात नहीं, मैं खत्म कर रहा हूँ ना, तो जैसा कि अभी देख रहे थे हमारे साथ गुलजार जी थे, और यहाँ पे छोटू आरती के घर पे आए हुए हैं, इन्होंने कुछ गाने लिखे थे, उस गाने को जो है इन्होंने आरती को सुनाया, और गाने सुनने के बाद जो है आरती भावुक भी हो गई थी। वैसे गुलजार जी जो गाते हैं, वो जब गाते हैं तो जो है जुबान से फूल बिखरते हैं, और वो फूल जिसकी सुगंध जो है महका देती है और माहौल को गमगीन बना देती है। लेकिन अभी मैं बता दूँ, अभी हम छोटू आरती के घर पर आ चुके हैं, जहाँ पर लगातार मीडिया जो है वो बनी हुई है, आते रह रहे हैं, और यहाँ आके जो है विभिन्न प्रकार के सवालात कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आरती जी आप कैसी हैं, आपका तबीयत कैसा है, आप पे हमारे सवालों का कोई असर तो नहीं पड़ा, आपके जो है माइंड में क्या चल रहा है, कोई मानसिक संतुलन खराब तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन कॉन्टेंट क्रिएटर को क्या चाहिए, सिर्फ कॉन्टेंट चाहिए? भाई मुझे भी कॉन्टेंट चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक जो है आरती जी का इंटरव्यू नहीं लिया और ना ही कोई सवाल किया, क्योंकि मैं नहीं सोचता कि उनसे सवाल करके या कोई आपत्तिजनक बात करके मैं उनको दुखी करूं। लेकिन आप सब जितने भी हमारे दर्शक बंधु देख रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आरती ने मोनू से शादी किया है, उस पर आपका क्या विचार है, क्या आरती जी को लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है वो सही है या नहीं है, आप जो है कमेंट करके जरूर बताइए। चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रही है आरती गया छोटू छोड़ के, इश्क जगाया मेरे अंदर मेरा छोटू, पिया पिलाया सात समंदर मेरा छोटू, दे गया जुल्मी सौदाई कैसा नजराना, जीने से अच्छा है अब तो मर जाना।